दी अदर डे आई वॉज सिटिंग एट ए टेबल डिनर टेबल एक फैमिली ऐसे बैठी थी आठ लोगों की देखो हमारे कल्चर में कैसी कैसी बातें इतनी सुंदर एंड द लेडी ऑफ द हाउस ग्रैंड मदर बड़ी सुंदर बात बताई कहते आजकल तो बहन हम कुछ भी खा रहे हैं कुछ भी पी रहे हैं पहले कहते हम क्या करते थे कि अगर हम ऐसे बैठे हैं पानी आया ग्लास हमने रखा पानी पिया आधा पिया आधा ग्लास बचा हुआ है दस पंद्रह मिनट बातें की कहते उसके बाद वो वाला पानी नहीं पीते थे हाँ क्यों कहते क्योंकि दस पंद्रह मिनट की बातें चली गई सारी उसके अंदर टेबल के अराउंड बैठे हुए दस लोगों की वाइब्रेशन चली गई उस पानी के अंदर वो भेजा जाता था और फ्रेश पानी आता था पावर ऑफ वाटर जैसा पानी वैसा वाणी ऐसे ही नहीं लोग अपने बर्तन लेके जाते थे अपना पानी अपने घर का पीते थे जिसको आज हम कहते हैं ये कितने क्या थे ये कितने क्या थे आप जिस घर का पानी पियेंगे आप उस घर की मन की स्थिति को अपने अंदर कंज्यूम करके आते हैं जिस भी घर का पानी पियेंगे तो उस घर के वातावरण में जो वाइब्रेशन होगी उसको भी हम पीकर आते हैं ये साइंटिफिक प्रूफ है आप गूगल पे जाइएगा जस्ट एंटर वन वर्ड वाटर मेमोरी वाटर मेमरी फुल साइंटिफिक के हाउ वॉटर हैज़ हाई मेमरी एंड वाटर ट्रैप्स वाइब्रेशन एंड वाटर रिटेन्स वॉट इट हैज़ ट्रैप्ड एंड एट्टी परसेंट ऑफ आर बॉडी इज वाटर तो उसका हमारे ऊपर असर होने वाला है अब हमें खाना भी हॉस्पिटल में खाना है पानी भी हॉस्पिटल में पीना है लेकिन हम पीने और खाने से पहले थर्टी सेकेंड्स के लिए उसको क्या कर सकते हैं पॉज करके जो हमें बचपन से सिखाया गया था कि परमात्मा को याद करके खाओ क्या रीजन था परमात्मा को याद करके खाने का कि प्लेट सामने पड़ी है खाना सामने पड़ा है इसमें बहुत सारी वाइब्रेशंस आई हैं जिसने बनाया जिसने वो सब्जी को उगाया आज हमें पता है कि फार्मर्स की मन की स्थिति कैसी है वो एक साल या छ महीने उस सब्जी को उगाते हैं अनाज को उगाते हैं उनकी वाइब्रेशन भी उसके साथ है फिर वो मंडी जाता है वहां का वातावरण देखो कैसे होता है वो सब जाके फिर वो शॉप में जाता है वहां क्या हो रहा और फिर वो हमारे घर में आता है कितनी सारी वाइब्रेशन आई फिर वो कोई बनाता है तो चार मन की स्थिति की वाइब्रेशन आई है हमारी प्लेट के पास अब हम क्या करेंगे थर्टी सेकेंड्स के लिए सिर्फ परमात्मा को याद करके उसकी शक्तियाँ उस भोजन में डालेंगे और जो हम अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं आई एम अ डिवाइन सोल आई एम अ पीसफुल सोल आई एम अ पावरफुल सोल माई बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी उस खाने और पानी में डाल दो। जैसा अन्न वैसा मन तो अगर अन्न में डाल दिया ना आई एम एन एंजल तो जब वो खाना खा लेंगे वो खाना आपके ऊपर काम करेगा और आई एम एन एंजल आई एम एन एंजल नेचुरल होने लग जाएगा लेकिन डिसाइड किया आई एम एन एंजल और फिर खाना और पानी खाया किसी का जो बहुत गुस्से में था तो कहेंगे सोचा तो था आज गुस्सा नहीं करना फिर मुझे क्यों आया फूड एंड वाटर इज अ वेरी बिग रीजन why वी आर नॉट एबल टू सस्टेन what वी डिसाइड फॉर our ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज विद फूड एंड water वी आर कंज्यूमिंग अदर पीपल्स vibrations. चार पांच दिन लगेंगे सिर्फ इस आदत को बनाने के लिए कुछ भी अपने अंदर डालें उसकी वाइब्रेशन को परमात्मा की एनर्जी डाल के फिर उसको ले अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करें दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ आर वाइब्रेशन कर सकते हैं हम थर्टी सेकेंड्स थर्टी सेकेंड्स हम कर सकते हैं लेकर आए अपना पानी का ग्लास सामने ऐसे और एकदम ऐसे करना किसी को पता भी नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं सामने इसको लेकर आए सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियाँ प्योरिटी प्यार इस पानी के कण कण में है ये पानी पानी नहीं है अमृत है आई एम अ डिवाइन सोल मेरा हर रिश्ता बहुत बहुत सुंदर है मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है आज हर आत्मा जो मुझे मिलेगी उसको सुख और सेहत डेफिनेट है पी लीजिए अब ये वाइब्रेशन आप पे काम करेगी जब तक आप अगला ग्लास पानी नहीं पीते कितना इजी है कितना इजी है इजी है पानी को क्या बना दिया पानी को अमृत बना दिया कहाँ तो इतना सा अमृत लेने जाते थे मंदिर उस अमृत में क्या था किसी ने यही तो डाला था परमात्मा की याद का वाइब्रेशन तो अगर हम अपने हर खाने और पानी को परमात्मा की याद से एनर्जाइज करके कंज्यूम करेंगे हमारी एनर्जी डिप्लीट नहीं होगी क्योंकि थ्रू फूड एंड वाटर वाइब्रेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट आर इन्फ्लुएंसिंग अस कर सकते हैं हाथ से कर सकते हैं अब अपने लिए करें और आपके परिवार के लिए भी करें परिवार के लिए भी करें किसी को कोई मैसेज देना है किसी का मन शांत करना है किसी का संस्कार चेंज करना है कोई बीमार है अब हम क्या करते हैं अन इंटेंशनली ठीक ही नहीं हो रहे आज भी बुखार नहीं उतरा पता नहीं कब उतरेगा अनइंटेंशनली गलत एनर्जी चली जाती है उसके अंदर अब नहीं उतरा तो क्या करना पड़ेगा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा अनअवेयर हम रॉन्ग एनर्जी डालते हैं इसलिए अवेयरनेस से राइट एनर्जी डालनी पड़ती है आज भी झगड़ा हो गया अब पता नहीं कितनी देरी है मेरे से बात नहीं करेंगे जब देखो मेरे साथ ऐसे ही होता है अन अवेयर डाल दिया और चार घंटे बात नहीं करनी उन्होंने अब इसका ऑपोजिट करो उनके लिए उसी टाइम जाके पानी लेकर आओ जिनके साथ झगड़ा हुआ है एक्सपेरिमेंट एंड सी हाउ यू विल गेट द रिजल्ट बोलो आ बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए जाओ अंदर परमात्मा को याद करके उसमें वाइब्रेशन डाल के पिला दो पांच मिनट के अंदर देखना वहां सब स्थिति बदलने लग जाएगी इट्स पावर इट इज लॉट ऑफ पावर ऐसे ही नहीं हर पूजा में पानी छड़का जाता है हर जगह के शुद्धिकरण हो गया तो वो पानी में क्या था हाई एनर्जी वाइब्रेशन मंत्र वो मंत्र को लिया पूरे घर में छड़का लोगों पर भी डाला और कहा शुद्धिकरण हो गया विच इज ट्रू लेकिन वो शुद्धिकरण उतनी देरी है जब तक हम दूसरा पानी नहीं पी लेते तो फिर वो शुद्धिकरण का असर क्या हो जाएगा चला जाएगा तो हमें हर पानी को शुद्ध करना है हर अन्न को शुद्ध करना है तो इसलिए यहाँ पर जब भी खाना बनता है और हम लोग घर पे भी जब खाना बनाते हैं सेंटर पे भी बनाते हैं हम उसके बाद सारे खाने में से थोड़ा थोड़ा लेकर एक प्लेट में ऐसे रख के फिर हम पाँच मिनट उसके साथ मेडिटेशन भी करते हैं जैसे यहाँ बाबा का रूम है ना मेडिटेशन रूम तो हम सबके घर पे एक छोटी छोटी ऐसी जगह है जो मेडिटेशन के लिए है तो वहाँ बैठ कर मेडिटेट करके खास उस खाने में वो वाइब्रेशन डाल के फिर वो खाना सारे खाने में मिक्स करके फिर सबको खिलाते हैं अगर ये हॉस्पिटल में होने लग जाए पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि उसको इतना सुकून क्यों महसूस हो रहा है यहाँ पे मन शांत होगा तो शरीर जल्दी ठीक होगा व्यवहार सरल होगा सहज होगा फ़ूड एंड वाटर